नगर के चांदनीपुरा में एक मकान में डकैती की योजना बनाते हुए पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 5 लोगों को घेराबंदी कर पकड़ा है। पूछताछ करने पर 5ों के पास से अवैध हथियार सहित लगभग 95,000 की राशि बरामद की गई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शशिकांत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पत्रकारों को बताया है कि विगत 22 नवंबर को चित्रमोड़ रोड पर जिनिंग कर्मचारी की आंख में मिर्ची पाउडर झोंक कर करीब 3 लाख रुपए की लूट कर ली गई थी। इसी की तलाशी में मुखबिर से प्लानिंग की गई और फिर जानकारी हासिल लगी कि चांदीपुरा क्षेत्र में भीमा सेठ के मकान के पीछे कुछ लोग डकैती की योजना बना रहे हैं। पुलिस ने घेराबंदी कर 5 लोगों को पकड़ा है, जिसमें उस्मान पिता शब्बीर मंसूरी निवासी सेंधवा के पास से 1 पिस्टल, 6 कारतूस और 45,000 रुपये। दूसरा बदमाश आदिल पिता सलीम कुरैसी निवासी सेंधवा के पास से देसी कट्टा, 1 कारतूस और 55,000 रुपये। तीसरा बदमाश आजम पिता अमजद खान जो मैन गांव खरगोन का है उसके पास से देसी कट्टा और चौथा बदमाश आदिल पिता असलम खान निवासी सनावत के पास से एक देसी कट्टा, 1 कारतूस और 5वां बदमाश नागेंद्र नानू पिता मदनलाल पवार निवासी बड़वा को पकड़ा है। अभी कुछ समय पूर्व सनावत कस्बे में 3 लाख रुपए की लूट हुई थी। मिर्ची डालकर एक व्यापारी को लूटा गया था। जब लूट की घटना हुई तो उसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा श्रीमान एडीजी की महोदय द्वारा निर्देश दिया गया कि इस प्रकार की घटनाओं को रोकथाम की जाए और आरोपियों को पकड़ा जाए। इस पर से पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिसमें थाना प्रभारी भगवानपुरा वरुण तिवारी और उनकी टीम, इसके अलावा TI सनावद राजेंद्र सोनी और उनकी टीम और हमारी साइबर की टीम, इन तीनों टीमों ने एक सम्मिलित रूप से एक ऑपरेशन चलाया और क्षेत्र में जो बाहरी क्षेत्र अपराधी जो घूमते पाए गए उनके संबंध में पतारसी की गई। इसी तारतम्य में एक सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग जो बाहरी हैं और यहाँ पर जो खोड़ी में बड़वा में शराब फैक्ट्री है उस पर कुछ घटना करने की कोशिश करने वाले हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो मुखबिर की सूचना पर पुलिस के द्वारा घेराबंदी की गई। तीनों टीमों ने अपना संयुक्त एक ऑपरेशन चलाया। उसमें से कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें उस्मान सेंधवा का रहने वाला है, आदिल कुरैसी वो भी सेंधवा का रहने वाला है, इसके अलावा आदिल खान सनावत का रहने वाला है, आजम साहब और नानू। इस प्रकार से 5 आरोपियों को पकड़ा गया घेराबंदी करके। उनके पास से कट्टे, राउंड और 95,000 रुपये नकदी जब्त किए गए हैं। पूछताछ पर उनके द्वारा खोड़ी शराब फैक्ट्री में घटना घटित करने के संबंध में स्वीकार किया गया उसकी तैयारी के लिए। और जब उनसे बारीकी से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा सनावद में जो मिर्ची डालकर 3 लाख रुपये की लूट करने की घटना थी उसको स्वीकार किया गया। इसके अलावा उनके द्वारा सेंधवा ग्रामीण थाना क्षेत्र के अंतर्गत 2 घटनाएं लूट की और हुई थी, उन घटनाओं में भी इनके द्वारा किया जाना स्वीकार किया गया। सेंधवा के शहरी थाने में भी एक घटना हुई थी, उसको भी इनके द्वारा स्वीकार किया गया। इसके अलावा कसरावद में भी कुछ दिन पहले लगभग 44,000 की लूट हुई थी, उस घटना में भी ये सभी आरोपी थे। साथ ही साथ कुक्षी में एक फायरिंग करके एक सराफा व्यापारी के यहाँ इन्होंने कुछ प्रयास किया था, उस घटना को भी इनके द्वारा स्वीकार किया गया। इस प्रकार इन सभी आरोपियों के द्वारा कुल मिलाकर 6 घटनाओं के संबंध में भी स्वीकार कर लिया गया है। इन 5 आरोपियों के अलावा कुछ और अन्य आरोपी थे, इनके संबंध में भी तलाश की जा रही है, वो भी गिरफ्त से दूर हैं। उनमें सलमान, सद्दाम और एक अन्य आरोपी है जिसके बारे में पता लगाया जा रहा है। इस प्रकार से संपूर्ण ये कार्रवाई में एक बड़ी उपलब्धि खरगोन पुलिस को हाथ लगी है। इसमें हमारे जो भगवानपुरा थाना प्रभारी हैं और थाना प्रभारी सनावत, इनकी और इनकी संपूर्ण टीम की एक अहम भूमिका है। इसमें वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा संपूर्ण टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है और कहीं ना कहीं इस प्रकार की आरोपियों को जब पकड़ा गया तो क्षेत्र में जो वारदातें हो रही थीं इन पर अंकुश लगेगा और अन्य आरोपी जो इसमें शामिल थे उनको पतारसी करने के लिए प्रयास किया जाए। 20 दिन पहले जो लूट हुई थी उस लूट के अंदर 3 लाख रुपए 3 लोगों ने छुड़ा लिए थे एक व्यक्ति को और घायल कर दिया था। 20 दिन बाद पुलिस ने उसका पर्दाफाश किया है। इन लोगों का एक ग्रुप था जो जिसमें 5 लोग पकड़ाए हैं और 5 लोगों ने यहाँ पर और आसपास के क्षेत्र में खरगोन और बड़वानी दोनों जिलों में लगभग 6 जगह वारदातें की थी जो कबूल की है। पुलिस को ये सफलता तो मिली है, आगे इन लोगों से और वारदातें कबूल करवाना है और उससे कहीं ऐसी लूट की घटनाएं शामिल हैं जो कि पुलिस के लिए सिरदर्द बनी हुई थी। कैमरामैन विवेक विद्यार्थी के साथ आशिक अली, वॉइस ऑफ राइट्स, सनावत।